गाइस लेकर आ गए हैं आपके लिए एक और जबरदस्त वीडियो जिसमें हम बताने वाले हैं ऐसी टिप्स के बारे में जो आपके स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ को बढ़ा सकती हैं, यानी कि टिप्स टू इंप्रूव योर स्मार्टफोन बैटरी लाइफ। दोस्तों, सभी स्मार्टफोन्स अपने स्पेसिफिकेशंस में बैटरी की बात करते हैं कि इतने मिली एम्पीयर की बैटरी है। अब तो बहुत फास्ट चार्जिंग भी मिलने लगी है, 13 वॉट का चार्जर, 33 वॉट का चार्जर या 65 वॉट का भी फास्ट चार्जर अब मिलता है। कोई टच वाली चार्जिंग दे रहा है, कोई हवा से चार्ज करवा रहा है, तो कोई चार्जर ही नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे बड़े सवाल से। तो सवाल है कि क्या फास्ट चार्जिंग जैसी टेक्नोलॉजी आपकी बैटरी लाइफ के लिए सही है? इसमें मेरा जवाब है नहीं। देखिए, जितनी ज्यादा फास्ट चार्जिंग उतना ही लोड आपकी बैटरी पर पड़ता है, यानी कि जितनी ज्यादा फास्ट चार्जिंग करेंगे उतनी हीट जनरेट होती है। और बैटरी का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है ना, तो वो है हीट। और इससे बचने के लिए कोशिश कीजिए कि जब आप अपना फोन चार्ज करते हैं तो इसका कवर निकाल कर ही चार्ज कीजिए। और ये जो फास्ट चार्जिंग होती है ना, इससे टाइम जरूर बचता है दोस्तों, पर आपकी जो बैटरी की हेल्थ है वो बिल्कुल खराब हो जाती है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि फास्ट चार्जिंग तभी यूज कीजिए जब एकदम इमरजेंसी हो, बिना बात के अपनी बैटरी को परेशान मत कीजिए। चलिए अब चलते हैं हमारी दूसरी टिप की तरफ। लेकिन इससे पहले, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए, ऑल कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें। दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले तक ये माना जाता था कि अपने फोन को चार्ज करने से पहले कभी कभी पूरा डिस्चार्ज होने दें। पहले जो है ना, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और जो आपकी बैटरीज थी वो भी निकल कैडमियम की हुआ करती थी। आजकल आपको लिथियम आयन की बैटरीज मिल रही हैं और टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो गई है। तो मेरे मानो ना, तो मिनिमम अपनी बैटरी को 20% तक ही जाने दो और मैक्सिमम भी 80-90% ही इसे चार्ज होने दे। एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, हम सब करते हैं वो, हम लोग रात को फोन चार्जिंग पे लगाकर सो जाते हैं। क्यों करते हो ना आप लोग भी? क्यों करना है यार, क्या जरूरत है ऐसी, जब फोन आपका चार्ज फास्ट चार्जर से 50-60% चार्ज आधे घंटे में हो जाता है तो उसको रात भर चार्ज क्यों करना है? All that glitters is not gold. इसी तरह से any charger that can charge your phone is not your charger. नहीं समझे, कंफ्यूज हो गए ना? मैं बताती हूँ बहुत ही आसान शब्दों में। जब भी आप जनरली देखते हैं कि कौन सा पिन का चार्जर आपके फोन में फिट हो रहा है, आप उससे ही अपना फोन चार्ज करने लग जाते हैं, पर ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों। हर कंपनी ने आपके फोन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चार्जर दिया होता है, क्यों नहीं आप उसे यूज करते? कई बार आपका चार्जर खराब हो जाए या आपका चार्जर मिल नहीं रहा हो तो आप क्या करते हैं, आप मार्केट जाकर जल्दी से लोकल चार्जर ले आते हैं, पर ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों। इससे आपके फोन की बैटरी निबट भी सकती है। दोस्तों, नॉर्मली वॉलपेपर्स के बारे में हम सबको पता है कि लाइव वॉलपेपर्स यूज करने से बहुत बैटरी कंज्यूम होती है, पर क्या आप एमोलेड स्क्रीन यूज करते हैं? अगर हाँ, तो जल्दी से अपने वॉलपेपर को डार्क पर सेट कर दीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा डार्कनेस होगी वहां वहां की एलईडी जो है वो ऑफ होंगी और जितनी कम एलईडी यूज होंगी उतनी ही कम आपकी बैटरी यूज होगी। दोस्तों, एक थंब रूल हमेशा याद रखिए, आपके फोन की जो 60% बैटरी है वो डिस्प्ले पर ही यूज होती है। अभी भी मैंने काफी लोगों को देखा है कि अपनी ब्राइटनेस को वो लोग 100% रखते हैं, इससे आपकी आंखें तो खराब होती ही है, साथ में आपकी बैटरी भी जल्दी कंज्यूम हो जाती है। मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल मत करें। और अगर आप ऑटो ब्राइटनेस भी यूज करते हैं तब भी लाइट सेंसर्स बहुत सारी बैटरी ले जाते हैं, इसीलिए आप अपनी ब्राइटनेस को मैन्युअली ही सेट कीजिए 60-80% के बीच में। दोस्तों, एक सबसे बड़ी गलती जो लोगों को मैंने करते देखा है, जनरली अपने फोन में वो लोग एंटीवायरस डाल लेते हैं। अब एंटीवायरस एंड्रॉइड में पहले से ही होता है तो क्यों ऐड करना है? अगर आप कोई बेकार की साइट्स नहीं विजिट करते या किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करते हो तो उस एंटीवायरस से सिर्फ आपकी बैटरी ही यूज होती है और कुछ नहीं होता है। क्या आप भी प्ले स्टोर से बैटरी सेविंग एप्स को इंस्टॉल करते हो? अगर हाँ, तो तुरंत इन्हें अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि आपको इनकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। आजकल एंड्रॉइड इतना अपडेट हो चुका है कि वो पहले ही आपकी बैटरी को ऑप्टिमाइज करता है, आपको इन ऐप्स की कतई जरूरत नहीं है। आजकल आपको हर एक फोन में बैटरी सेविंग मोड मिलेगा देखने को, पर आपको पता है कि ये करता क्या है?
ये आपके काफी फीचर्स जैसे ब्लूटूथ, एनएफसी, जीपीएस इन सबको बंद कर देता है जब तक आप इतना मैनुअली ऑन ना करें। अब इससे होता क्या है कि आपकी बैटरी सेव होती है, तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है, इसे जरूर यूज कीजिए। दोस्तों जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपका सिग्नल आ रहा है और जा रहा है, तो उस टाइम आप अपने फोन को एयरप्लेन मोड पर जरूर डाल दीजिए। इससे आपका फोन सिग्नल ढूंढना बंद कर देगा और आपकी बैटरी भी बचेगी। और अगर आपके पास पावर बैंक नहीं है तब तो डेफिनेटली डाल दीजिए। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ टिप्स आपकी बैटरी को बचाने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए और व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिए, इससे आपकी बैटरी ड्रेन नहीं होगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली बार फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।